का मैं टिकट दिखाया, रशियन में लिखा हुआ था टिकट में भी, तो भाई उन्होंने कहा कि आपका तो स्टेशन है ही नहीं। भाई मेरी बज गई बैंड, भाई मैं सोचा अब मैं क्या करूँ। तो भाई सो गाइज, इस हॉस्टल से हम निकल चुके हैं। और गाइज, यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो गाइज, मेरा यहाँ पर एक दिन का कॉस्ट पड़ा 500 रूबल्स। तो हम यहाँ पर हमने 4 दिन स्टे किया, तो अराउंड 400 रूबल्स पड़ गया हमें। तो अभी हम डायरेक्टली अभी चलते हैं, मैंने ऑलरेडी बुक किया हुआ है कज़ान के अंदर। तो मैं वहाँ पर स्टेशन पर पहुँच जाऊँगा 4:30, मतलब आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। तभी टाइम हुआ है 2:05 हुए हैं, तो मान के चलो मैं 2:45 तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। उसके बाद टिकट हमने ऑलरेडी बुक कर ली है। मैं आपको वो रास्ते बताता हूँ कि भाई आपको टिकट वगैरह कैसे बुक करना रहेगा, सारी चीज़ें। तो गाइस अभी हम डायरेक्टली स्टेशन पे ही मिलते हैं। सो गाइज वेलकम बैक। तो अभी बताता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या था। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँचा था मेट्रो के, तो वहाँ पर मुझे कहा था कि मैंने किसी से पूछा था कि कहाँ जाना है, उन्होंने कहा था कि आप सीधे चले जाओ। तो भाई मैं चला गया वहाँ पर। तो भाई जैसे वहाँ पहुँचा मैं, तो वहाँ पर बैठा रहा मैं, कम से कम 3:30 बजे पहुँच गया था। अपनी जो ट्रेन थी 4:38 की थी, तो मैं बैठा रहा उधर। तो बैठे बैठे जब 4 बज गए, तो भाई मैं सोचा अभी चल लेते हैं भाई, ट्रेन का वो डब्बा वगैरह ढूंढना रहेगा यहाँ पर। मतलब 9, 10, 11, 12 ऐसे होते हैं नंबर्स, ठीक है। तो मैं उधर गया, तो भाई जैसे मैंने पूछा मैंने को, मैं उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप अंडर पास होते हुए सामने जो स्टेशन दिख रहा है ना बड़ा वाला, वो लॉन्ग रूट के लिए वो जाती है, मतलब ट्रेन वहाँ जाती है। तो भाई मैं वहाँ से फटाफट भागते हुए निकला, मैं कज़ान के रेलवे स्टेशन पर, मतलब मेन ये मॉस्को कज़ान वाले रेलवे स्टेशन पर पहुँचा। ऐसे यहाँ पर फिर मैंने, यहाँ पर लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं और ट्रेन ट्रैक पे खड़ी हुई है पहले से। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई कौन सी ट्रेन जाती है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ मतलब यहाँ पर दादा का मतलब होता है यस यस, बोलते हैं हाँ यही है। तो मैं सोचा कि यार भाई ट्रेन ट्रैक पे खड़ी हुई है तो ये लोग जा क्यों नहीं रहे हैं, वो शायद से मे बी नेक्स्ट ट्रेन के लिए वेट कर रहे होंगे। भाई जैसे मैं पहुंचा, मैं थोड़ा सा आगे निकला, भाई मैंने देखा कि ट्रेन मतलब 2 नंबर मेरे को दिख गया था, थोड़ा बहुत रशिया मेरे को समझ में आ गया था, क्योंकि ये ट्रेन के आगे ना 16 नंबर लिखा होता, मैंने सोचा 16 प्लेटफॉर्म नंबर 2, इतना मेरे को आइडिया लग गया था। तो मैं गया थोड़ा सा आगे, तो फिर वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक मतलब एक मोहतरमा वो टिकट वगैरह, मतलब वो ना इनकी ना फ़ोन, इनके यहाँ पर सब कुछ ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, मतलब हर चीज़ के लिए इनके पास एक ऑटोमेटिक फ़ोन रहता है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स आ जाती है आपकी। तो उन्होंने जैसे मैंने मेरा सीट नंबर बताया 14, उनके पास आई डिटेल्स आ गई कि हाँ अविनाश नाम से है। उन्होंने मेरा पासपोर्ट नंबर पूछा, मतलब पासपोर्ट दिखाया मैंने उन्हें, और फिर उन्होंने मुझे यहाँ पर लाके छोड़ दिया। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ ना, फिलहाल जो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री मिला है वो एक बेडशीट मिली है, ये वाली बेडशीट मिली है बस, ठीक है। और ये हमारा गद्दा है, मतलब ये गद्दा है। तो मतलब क्या रहता है कि ट्रेन के ऊपर जैसे, मतलब मान लो अपना इंडिया जैसा नहीं है थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर नॉर्मल सीट तो गद्देदार है, लेकिन उसके ऊपर आपका गद्दा बिछा के फिर आपको यहाँ पर सोना होता है। और गाइज 157 रूबल्स एक्स्ट्रा लगे हैं सिर्फ इस गद्दे गद्दे के, मतलब गद्दे पूरे बेडशीट वगैरह के। और जो पूरी की पूरी जो मुझे ट्रेन पड़ी है, ये मुझे पड़ी है 27, मतलब आप मान लो 2700-2800 के बीच में पड़ी है, 2700 के आसपास पड़ी है। ये है अपनी क्या नाम है, मॉस्को टू कजान, ठीक है। और उसके अलावा बात करूँ तो भाई इसमें मतलब कुछ भी अगर आप खाते पीते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं है यहाँ पर। और गाइज ये थर्ड एसी में अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और गाइज भीड़ भी इतनी नहीं है, मतलब मान लो बहुत कम लोग हैं, मतलब मान के चलो कि 50% सीट है, बाकी 50% खाली है, मे भी शायद से नेक्स्ट स्टेशन पे आएंगे। और गाइज मतलब ओवरऑल अच्छा है। अभी भाई आपको मतलब बीच में अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है आपको बताता हूँ मैं। और गाइस वही है कि आते टाइम बस मेक श्योर कीजिएगा कि अपना स्टेशन ज़रूर चेक कर लो अच्छे से, और हर जगह सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं तो उनसे कंफर्म कर लिया करो, ठीक है। अच्छा मैंने आधे घंटे पहले पूछ लिया, वरना मेरे को ट्रेन मिल गई, वरना आपका भाई ट्रेन के स्टेशन पर लटका हुआ होता। तो अच्छा हुआ हम फाइनली ट्रेन में बैठे हैं, अभी हम कज़ान जाएंगे, कज़ान को जाके अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी। गाइस यहाँ पर भी अपने साथ चोट हो गई, यहाँ पर भी जो दिख रहा है ना आपको पीछे सॉकेट, ये वाला सॉकेट गाइस ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है। ये मान के चलो कि भाई यहाँ पर जो अपना मैंने आपको मेरे एक बार सॉकेट दिखाया था ना एप्पल वाला, गाइस है ही नहीं इधर, ऐसा लग रहा है मेरे को मे भी, क्योंकि भाई ट्रेन में भी नहीं है।
वाइज अभी कजान जाके देखते हैं, वरना फिर एक काम करूँगा एक्सटर्नल ले लूँगा, तो एक्सटर्नल अडेप्टर जैसा होता है वो डाल के फिर उसके ऊपर अपना अपना चार्जर लगा लिया करेंगे, उससे थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाता है, बस ये बेनिफिट है उसका। तो चलिए गाइज, कुछ भी होता है तो आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सो गाइस फाइनली हम कजान पहुंच चुके हैं, और गाइस ट्रेन काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी नीट एंड क्लीन थी, और भाई बहुत मज़ा आया। मैं तो बस तो मान लो आपसे बात करने के बाद एक्चुअली मेरे को नींद आ गई थी, तो मैं सो गया था। सो अभी मॉर्निंग में, अभी आज की जो डेट है वो 22 जुलाई है, और अभी जो टाइम हुआ है मॉर्निंग के अभी 5:05 हुए हैं। तो अभी जस्ट हमारा हॉस्टल यहाँ से रेलवे स्टेशन से एग्जैक्ट 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेट्रो जाऊँ, भाई मेट्रो देख रहा हूँ तो भाई फिर मेट्रो है नहीं, या तो ट्रेन पे या तो बस है, पर भाई हमारे पास टाइम तो है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई वॉक ही चले जाऊँ। तो गाइस देखने आपको पीछे दिख रहा है ना, बारिश हो रही है, गाइस बारिश हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए अभी जा नहीं पाऊँगा। गाइस अभी थोड़ा देर वेट करा, अभी थोड़ी देर बाद अपन यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस आपको ना दो तीन चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे कि आप ट्रैवल करोगे तो गाइज आपको वैसे तो कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलेगा, और बस आपको ये चीज़ अगर आप कुछ भी फैसिलिटीज़ वगैरह चाहिए कि जैसे आपको कॉफ़ी वगैरह पीना है, टी वगैरह पीना है, तो आपको एक छोटा सा कप जैसा प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको हॉट वाटर मिल जाएगा, तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, आप जैसे कि आप नॉर्मल कुछ कॉफ़ी या टी पीना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको बना के पी सकते हो। और गाइज उसके अलावा गाइज आपको सिर्फ ब्लैंकेट वगैरह मिलेंगे, ब्लैंकेट वगैरह में आपको एक टावल मिलेगा, और गाइज उसके 157 रुपल्स एक्स्ट्रा लगेंगे, तो मेक श्योर कीजिए अगर आपको ब्लैंकेट चाहिए तो आपको 157 रुपल एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और गाइज जो मेरी टिकट हुई थी, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2700 से लेके 28 रुपल्स के बीच में हुई थी, और ये थी मॉस्को टू कजान के लिए। तो अभी हम कजान पहुँच चुके हैं गाइज, लेकिन पीछे बारिश हो रही है, सो अभी मैं बाहर जा नहीं सकता, और बाकी जो मेरा हॉस्टल है वो अराउंड यहाँ से सिर्फ 2.5 to 3 किलोमीटर है, तो मैं बाय वॉक ही जाऊँगा, और फिर हम डायरेक्टली अपने हॉस्टल में जाके मिलते हैं। सो गाइज फाइनली मैं मेरे हॉस्टल आ चुका हूँ, और जो अभी टाइम हुआ है वो 9:08 हुआ है सुबह के, अभी बारिश हो रही है इसलिए बीच में कोई वीडियो नहीं बना पाया मैं स्टेशन से लेके हॉस्टल तक का, भाई पूरा भीग चुका था, अभी आगे कपड़े चेंज किए हैं, आप भी देखोगे देखो पीछे बारिश हो रही है, और अपना जो फ़ोन है वाटर प्रूफ नहीं है, तो वापस से हॉस्टल में चलते हैं और आपको पूरा बताता हूँ कि भाई कितना कॉस्ट पड़ा, बाकी सारे क्या चीज़ें भी, आप एक बार हॉस्टल देखो आप एक बार। सो गाइज अभी मैं हॉस्टल में था, तो जैसे ही मैं हॉस्टल में आया तो आपको एक ऐसा ना फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा, और मेक श्योर कीजिएगा कि आप कभी भी कोई भी हॉस्टल में आते हो ना, तो पिछले हॉस्टल से ना एक रिसिप्ट जरूर लेके आना। अब मुझे पता नहीं कि भाई इस हॉस्टल में ऐसा रूल है, आई डोंट नो कि अदर हॉस्टल्स में है या नहीं है, अगर आपने कभी ट्रैवल किया तो आप नीचे कमेंट डाउन करके बताना कि ऐसा किस किस हॉस्टल में होता है। और गाइज वही है, आपको इस हॉस्टल में आओगे तो आपको ये फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा, और बाकी मैं आपको पूरा हॉस्टल दिखाता हूँ। सो गाइस ये अपना रिसेप्शन एरिया है, और ये ऐसा कुछ फॉर्म है, मतलब इसमें बस डिटेल्स वगैरह फिल करनी रहती हैं, मतलब कंसेंट है, सारी की सारी चीज़ें ठीक है, और बाकी ये अपना पूरा हॉस्टल है, लाइक ही इज आजाद एंड ही इज ओनर ऑफ द हॉस्टल रिगीना एंड ही इज आजाद, एंड दिस इज किचन, एंड ये किचन है, और उस साइड ये वाला वॉशरूम है। और गाइस अभी मैं आपको एक बार मेरा रूम दिखा देता हूँ, ये रहा अपना बैग है, और ये अपना पूरा का पूरा चीजें हैं।